न्यूज़ सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचर। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। क्या एलन मस्क का हो सकता है मर्डर? मस्क के पिता ने क्यों कही ये बात? एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। वे टेस्ला, एक्स और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक है। दुनिया में वे चर्चा में रहते हैं, लेकिन अब एलन मस्क के पिता को अपने बेटे की हत्या का डर सता रहा है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क के पिता ने हाल ही में यह आशंका जताई है कि टेस्ला के सीईओ यानी उनके बेटे की हत्या की जा सकती है। दरअसल एलन मस्क के पिता 77 साल के एलन मस्क ने अमेरिका में अखबार द यूएस सन को बताया कि उन्हें डर है कि उनके अमीर बेटे की हत्या की जा सकती है। बता दें कि एलन मस्क ने द न्यूयॉर्क कि एक ताज़ा आलेख की भी आलोचना की थी, जिसमें यूक्रेन में जंग के बारे में सरकारी फैसलों पर एलन मस्क के असर के बारे में बताया गया था। क्या है यूक्रेन वार से स्पेसएक्स कनेक्शन? रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के अधिकारियों ने द न्यूयॉर्क को बताया था कि एलन मस्क के साथ एक अनिवार्य अधिकारी की तरह व्यवहार किया गया। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि यूक्रेन युद्ध में स्पेसएक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट कितने महत्वपूर्ण थे। एलन मस्क के पिता ने कहा कि ये एक चोट पहुंचाने वाला काम है। एलन मस्क पर एक सरकार का गहरा साया पड़ चुका है। जब उन्होंने पूछा गया कि क्या उन्हें डर है कि यह सरकार उनके बेटे की हत्या कर सकती है, उन्होंने हाँ में जवाब दिया। क्या हो सकती है वजह? दरअसल कहा जा रहा है कि यूक्रेन को स्टारलिंक टर्मिनल्स देने के रूप नाराज है। पिछले साल मई में स्पेसएक्स के यूक्रेनी सैनिकों को स्टारलिंक टर्मिनल्स देने के फैसले पर रूस के स्पेस चिप के साथ बहस के बाद अरबपति एलन मस्क ने मजाक में कहा था कि वह रहस्यमय परिस्थितियों में मर सकते हैं। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दुनिया में बढ़ता भारत का कद, इसराइल, ग्रीस, साइप्रस के त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में किया जाएगा आमंत्रित। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त को ग्रीस का एक द्विदिवसीय दौरा किया था, जहां उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ ऑनर में सम्मानित किया गया था। अब ग्रीक के प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। भारत को इसराइल, ग्रीस, साइप्रस के त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जाएगा। भारत में अगले साल होने वाले इसराइल, ग्रीस और साइप्रस के बीच त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का हिस्सा हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रीक प्रधानमंत्री किरियाकोस मिसोटाकिस ने कहा कि देश विशेष रूप से भारत जैसे देशों के साथ प्राकृतिक गैस निर्यात साझेदारी की रुचि रखता है। इसके अलावा अगले साल होने वाले अगले त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में भी भारत को आमंत्रित किए जाने की बात कही गई है। निकोसिया ने ग्रीक प्रधानमंत्री किरियाकोस मिसोटाकिस और इजरायल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोनाइट्स ने कहा कि हमने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ 3+1 प्रारूप के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। साइप्रस सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार एक संयुक्त डिलीवरेबल्स के साथ अन्य देशों के साथ भी, और हमने विशेष रूप से भारत के बारे में बात की है। अब आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत ने मणिपुर पर संयुक्त राष्ट्र विशेष नौ की टिप्पणियों को खारिज किया, उन्हें अनुचित और भ्रामक बताया। भारत की यह प्रतिक्रिया संयुक्त राष्ट्र विशेष नौ की एक संयुक्त समूह द्वारा मणिपुर में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन और दुर्व्यवहार की रिपोर्ट पर चिंता जताने के बाद आई है। भारत ने मणिपुर पर संयुक्त राष्ट्र विशेष नौ की टिप्पणियों को दृढ़ता से खारिज कर दिया है। भारत ने उन टिप्पणियों को अनुचित, अनुमानपूर्व और भ्रामक बताया है। कहा है कि पूर्वोत्तर राज्य में स्थिति शांतिपूर्व है। मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय की विशेष प्रक्रिया शाखा को सोमवार को जारी बर्लिन नोट में भारतीय मिशन में रेखांकित किया कि मणिपुर में स्थिति शांतिपूर्व व स्थिर है।
भारत सरकार स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए अपेक्षित कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय मिशन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार मणिपुर के लोगों सहित भारत के लोगों को मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। भारत का स्थायी मिशन इस तरह की रिपोर्टों का मजबूती से खंडन करता है कि यह केवल अनुचित अनुमानपूर्व और भ्रामक है, बल्कि विश्वासघात से भरा हुआ भी है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भारत के स्थायी मिशन से सूचित किया इन रिपोर्टों के मणिपुर की स्थिति और इसे संबोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को समझ नहीं आया है। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों के एक समूह ने मणिपुर में यौन हिंसा, गैर न्यायिक हत्याएं, गृह विनाश, जबरन विस्थापन, यातना और दुर्व्यवहार के कथित कृत्यों सहित गंभीर मानवाधिकार के उल्लंघन और दुर्व्यवहार की रिपोर्टों पर चिंता जताई, जिसके बाद भारत की प्रतिक्रिया आई। विशेष प्रक्रिया अधिदेश धारका द्वारा भारत मणिपुर में जारी दुर्व्यवहार से संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ चिंतित शीर्षक से जारी समाचार विज्ञप्ति को खारिज करते हुए भारत के स्थायी मिशन ने निशाना और आश्चर्य व्यक्त किया है कि SPMH ने 60 दिनों की प्रतीक्षा के बिन प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का फैसला किया, जो कि 29 अगस्त 2023 को इसी विषय पर जारी एक संयुक्त संचार का जवाब देने के लिए भारत सरकार को मिली अवधि है। भारतीय मिशन ने उम्मीद जताई है कि भविष्य में SPMH तत्वों पर आधार अपने मूल्यांकन से अधिक उद्देश्यपूर्ण होगा। भारत की ओर से कहा गया है कि उम्मीद है कि SPMH उद्घटना क्रमों पर टिप्पणी करने से परहेज करेगा, जिसका परिषद द्वारा उन्हें दिए गए जनादेश से कोई प्रासंगिकता नहीं है और समाचार विज्ञप्ति जारी करने के लिए स्थापित प्रक्रिया का पालन करेगा और ऐसा करने से पहले भारत सरकार से मांगे गए इनपुट की प्रतीक्षा करेगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमरेंस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।